निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी गुरुवार से 2 दिन की हड़ताल चले गए हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो गई है। यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ की जा रही है। सरकार ने बजट 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था। बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर अररिया शहर के विभिन्न बैंकों में दिखा। कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के विरोध में नारा बुलंद करते नजर आए। विरोध कर रहे बैंक कर्मी ने बताया कि अगर बैंक प्राइवेट कर दिया जाता है तो आम लोगों की पहुंच से बैंक दूर हो जाएगा। उसके साथ ही बहुत सारे जो विद्यार्थी बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको भी जॉब की दिक्कत हो जाएगी। हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं, वही बैंकिंग सेवाओं से प्रभावित होने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी है भारत में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आज बहुत सारे कोचिंग संस्थान में, बहुत सारे जगह में बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं, वो सारी जॉब खत्म हो जाएंगे। सरकार एक तरह से बैंकिंग का निजीकरण करके जॉब के अवसर को कम कर रही है और लोगों के जो अस्तित्व है उनको खत्म कर रही है। आम जनता का जो पैसा है सरकारी बैंक में सुरक्षित है, प्राइवेट बैंक जब है, प्राइवेट बैंक सारे बैंक जो डूब गए, यस बैंक जो है इधर हाल फिलहाल में डूबी है जिसको यस स्टेट बैंक ने अधिग्रहण किया है। इस तरह से देखा जा रहा है कि स्टेट बैंक ही, सरकारी बैंक ही जो है उनको संभाल रही, इसके उल्टे जो है सरकार इसके विरोध में ही है, सरकारी बैंक के विरोध में है, उसको प्राइवेट करने जा रही है। ये एक तरह से ये हो रहा है कि हर एक चीज़ को कंपनी के को बेच दो। जिस तरह से पहले था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है सर देश एक तरह गुलाम थी, उसी तरह से कंपनी के तहत जो है सर देश को वो लाना चाह रही, जिसके विरोध में हम लोग हैं यहाँ पे और हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं और हम लोग ये अधिनियम को जो है लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार राहुल, SBI। सबसे आम जनता के पहुँच से दूर हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर, और सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार का जो सृजन हो रहा है बैंकिंग के द्वारा वो बंद हो जाएगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ये इस बिल को लाके अपने मित्र को सहायता पहुंचा रहे हैं ताकि इसका निजीकरण हो और उनका जो अपना मित्र है उनको सहायता पहुंचे। कल BSNL का निजीकरण किया गया, कल हम BSNL का रिचार्ज करते थे कितना पैसा ये सबको पता है, और आज क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम इस विधेयक को वापस करने का मांग करते हैं और हमारी जो क्या कहते हैं मांग है कि बैंकिंग का निजीकरण नहीं किया जाए और हम इसका पुरजोर विरोध। नाम बताइएगा। संतोष कुमार झा, बैंक ऑफ बड़ौदा, अररिया।